नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, अगस्त के पहली तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी एक स्टेटमेंट में बीते हुए सनीचर को कहा है कि कुछ फशखरप्त मातृखलन आएगा, जो कोविड 19 का मातृखलन है, कुछ इसमें बदलाव आएगा और यह है एतवार जुलाई के 26 तारीख से लेकर अगस्त के 10 तारीख तक। प्रेसिडेंट ये कहा है, सबसे पहले फरप्लेख्त है मॉन्ट न्यूस्का को पहनना, ये फरप्लेख्त है, ऐसा पेशतर आपको भी बताया गया था। ये अंदर हाफ मीटर फिसी का और ये हाथों को वक्त वक्त पर साफ़ करना, डिसइंफेक्टेयर करना या धोना, ये अभी तक लागू है। ये 3 चीज़ें हैं जो फरप्लिख थे और बाकी के मातृखलन में प्रेसिडेंट ये बताई है। अर्थांग्स फरबॉट जो है, ये जो आफन क्लॉक है, अब 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक रहेगा और ये 9 बजे रात से 5 बजे सुबह के बाहर, ये समय के बाहर जो मातृखलन है वो ये है कि सामूस होलिंग 5 लोगों से ज़्यादा ये बिल्कुल मना है। इसका मतलब ये है कि जश्न घर पर या बाहर प्रीफे और प्रिफात स्फेयर में ये बिल्कुल मना है। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद जाना ये भी मना है और किसी का अगर मृत्यु या वफात हो जाए, कॉन्डोलियंस के वास्ते ज़्यादा लोगों के साथ एकत्र होना ये बिल्कुल मना है। रेस्टोरेंट्स अपना दरवाज़ा खोल सकते हैं, ये सब अपना काम जारी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर इन लोगों को अफाउल सर्फिस के साथ काम करना है। और अगर रेस्टोरेंट खोलता में है, मतलब खुला हुआ है, रमतस ओपर रमतस है, तो यहाँ पर लोग जाकर बैठ कर अपना खाना खा सकते हैं। जहाँ पर मतलब एक तरह से वहाँ पर लोग जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, लेकिन सभी कोविड मातृखलन जो है इस पर गौर करना चाहिए। स्पोर्ट्स हॉल एंड स्पोर्ट्स सेंटर बंद रहेगा। कॉन्टैक्ट स्पोर्टन जो है बिल्कुल मना है। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो बाहर होता है ये उपलोक में, ये सब इसके लिए इजाज़त है और लेकिन कोविड मातृखलन पर यहाँ पर भी गौर करना है। कैसीनोस, गोक एंड वरमाकलिकहेड्सगेलेगेनहेडें, बार्स, क्लब्स, डांसिंग्स, बोर्डेले, ये सभी बंद करना चाहिए, एक ही दम बंद किया गया है। कॉन्टैक्ट बरूपन जैसे कप सलोन्स, बार्बर शॉप, फिजियोथेरापी, ये सब अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ये देखना चाहिए किस जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पर ज़रूरी फेंटिलासी है और कोविड मातृखलन पर भी गौर करना ज़रूरी है। बाजार जो है ये खुला रहेगा, सभी मार्केट जो है खुला रहेगा, लेकिन कोविड मातृखलन पर इन लोगों को, जो लोग बाज़ार पर सामान बेचते हैं और जो लोग वहाँ ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, इन सभी से कहा गया है कोविड मातृखलन पर गौर करने के वास्ते। प्रेसिडेंट ये कहा है कि एक तरीका ढूंढा जाता है ड्राइव थ्रू मार्केट रखने के लिए, जहाँ पर आप जाएंगे अपना गाड़ी से सामान खरीद कर, सब्जी इत्यादि खरीद कर और वहाँ से आप चले जाएंगे। अंडरवाइज प्रोसेस के सिलसिले में ये कहा गया है कि एग्ज़ाम क्लासेस के वास्ते जो कहा गया है हर एक निफो पर कि एग्ज़ाम्स लोग बनाएंगे, तो ये जारी होगा। मिनिस्ट्री के तरफ से जितने कोविड मातृखलन है और प्रोटोकॉल है इस पर गौर करना चाहिए। ओबरासी द्रिन द्रेसी वक्तीसी की, द्रिन द्रेसी वक्तीसी की ये जारी होगा। मिनिस्टर बाउतलांस सागन का ये ख्रेंसन के बारे में, हमारे सीमा के बारे में, ब्यूर लंदन के जो है हमारे जो पड़ोसी देशों हैं इन लोगों से मिलकर बातचीत करेगा, कैसे ख्रेंसन यानी सीमा पर पहरा डाला जाएगा ख्रेंस बवाकिंग के सिलसिले में। ओवरहेड सरकार जो है और सरकारी काम जो है और बद्रैव स्लेफन अपना काम जारी कर सकते हैं, लेकिन सभी कोविड मातृखलन पर गौर करना है, वो इसलिए कि प्रोडक्सी बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है देश में तरक्की और बढ़ंती लाने के वास्ते। एसेंशियल दिनस्तन जिन लोगों को 9 बजे रात और सुबह 5 बजे से बाहर, ये समय से बाहर जिन लोगों को बाहर आना है, सड़क पर जाना है, कुछ करना है, इसके बाहर नहीं, लेकिन 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक जिन लोगों को काम के सिलसिले में सड़क पर जाना है और आपके पास टू स्टैमिंग नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो इस इजाज़त का मांग, डिस्पेंसेशन का मांग आप कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि
9 बजे रात से ये जो ऑफन क्लॉक रखा गया है सुबह 5 बजे तक, अगर 9 बजे रात और सुबह 5 बजे के बीच आपको काम के सिलसिले में या ज़रूरी काम के लिए आपको बाहर जाना है, सड़क पर आना है, तो इसके लिए 10 में 7 ही ज़रूरी है, तो इसका मांग आप कर सकते हैं। ये खास कोविड मातरीखलन जो प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट में कहा गया है। कोविड 2 दिन जो है जिन लोगों का देहांत हुआ है, ये कोविड 19 वायरस या फीरस से अफसोस के साथ कहना है कि इस हफ्ता में 24 कोविड 2 रेगुनाव सिकन हाउस वानिका में लोग ऐलान किए हैं, और इसके बाद 25 कोविड 2 जो है अकादेमी सिकन हाउस के स्पुत एसंद हेल्प में, और 26 फरकेश 2 सेंट विंसेंटियस सिकन हाउस के आईसीयू यूनिट में हुआ है। इस शख्स का देहांत हुआ है मंगल के शाम को। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि ये कोविड 19 का जो वैध औसौंदरिंग सुस्तान कोविड 19 जो पिछले सरकार इसके लिए रजामंदी दिए थे दे एना में, यह खुदकर हुआ था दे एना में, यह औसौंदरिंग सुस्तान जो है ये 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था अगस्त के 9 तारीख तक। अब लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पर गौर किया जाएगा यह जारी होगा अगस्त के 9 तारीख के बाद या नहीं, या इस वेत में यह कानून में कोई बदलाव आएगा। एक हौसौदलिक फरखादरिंग में कॉमेसी फरबांग में एक कॉमेसी बनुम हुआ है, और यह है असम्बली लित शेरिल डेक्सटेल के निर्देशन में जो फेहापे का पार्लियामेंटारियर है, और ये कॉमेसी को इस वेत पर, ये जो औसौंदरिंग वेत है इस पर गौर करना चाहिए, और ये देखा जाएगा, ये बढ़ाया जाएगा, फरलेंग होगा या इसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन अभी से कहा गया है कि हो सकता है इसमें कुछ बदलाव लाया जाएगा। वैसे ये कोविड 19 के सिलसिले में हम आपको भी बता दें कि एक नया मैनेजमेंट टीम बैठाया गया है एक्स डायरेक्टर फॉरेक्स सोनथेट का मार्टलिस एयरसेल के निर्देशन में। ये क्रिसिस मैनेजर है कोविड 19 मैनेजमेंट टीम का। एक पेश अपडेट पर मार्टलिस एयरसेल जो है ये बताई है कि इन लोगों के सबसे पहला काम है सरकार को राय देने के लिए नया मातृखलन के बारे में, और कौन से मातृखलन नया सरकार जो है इनको लेना चाहिए। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट संतोखी जो मातृखलन ऐलान किए हैं, ये भी देखा जाएगा कि कौन से और मातृखलन आ सकता है, क्योंकि दिन पे दिन ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस जो है सूरीनाम देश में फैलता जाता है। वैसे ये बहुत इस पर लोग चिंता करने की बात है, चिंता करने की बात ज़रूर है कि दिन पे दिन और लोगों को ये वायरस होता है, और जनता हो सकता है कि जो मातृखलन दिया जाता है इस पर गौर नहीं करते हैं। वैसे इस पर्श मीटिंग पर यह भी कहा गया है कि मारोवेन के पास में जहाँ पर स्कूल जारी नहीं हुआ है, स्कूल नहीं खोला गया है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं इस वक्त, इस बारे में लोग गुफ्तगु कर रहे हैं कैसे वहाँ के बच्चे जो एग्ज़ाम क्लास में हैं अपना पढ़ाई जारी कर सकते हैं, ताकि इन लोगों का एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। कैबिनेट प्रेसिडेंट पर NEE नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के जगह अब कम्युनिकेशन डिस्ट सूरीनाम कायम हुआ है, नाम बदला गया है, और सरकार ये कहा है कि अब लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशन फोर्शिनिंग के अलावा एक इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन रहे जनता के साथ देश में और भी विदेश में। वैसे NEE के तरफ से लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन फोर्शिनिंग था, मतलब जनता को लोग जानकारी देते थे, लेकिन अब चाहते हैं लोग कि एक इंटर एक्टिव कम्युनिकेशन आए कि दोनों तरफ से बातचीत हो सके, सवाल जवाब हो सके। और ये हम आपको बता दें कि जब प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के इन औखिरासी था, तब एक लोहो सूरीनाम सरकार का एक लोहो लोग यहाँ पर लॉन्च किए थे, और इसमें अनेक रंगों डाला गया था। ये जो रंग इसमें अनेक रंग है, ये बफोलकिंग्स ग्रुपन का है जो सूरीनाम देश में है, सूरीनाम देश में अनेक अनेक लोग रहते हैं, तो यही ये रंग के साथ लोग साबित करना चाहते हैं, ये सिंबल है अनेक लोगों का, अनेक बफोलकिंग्स ग्रुप का जो सूरीनाम देश में है। तो NEE के जगह
नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की जगह अब कम्युनिकेशन दिंस सुरीनाम सीडीएस जो है ये कायम हुआ है जनता को जानकारी देने के वास्ते। अपाचे ग्रुप कॉरपोरेशन अपाचे कॉरपोरेशन जो ओली प्रोड्यूसेंट थे एक जॉइंट वेंचर पार्टनर टोटल एसआ के साथ ये सब फिर से एक ओली फॉन्स किए हैं, मतलब तेल मिला है तीसरी मतवा एक बोरिंग पर तेल मिला है सुरीनाम देश के नदी के किनारे, ये कुस्त पर सुरीनाम देश के कुस्त पर ये जो बोरिंग हुआ है और इसके साथ ये तेल जो मिला है ये कहा जाता है कि पहला और दूसरा बोरिंग पर जो तेल मिला है ये तीसरा बोरिंग पर जो तेल मिला है ये पहला और दूसरा से कई गुना और ज़्यादा है। और इससे ये हुआ है कि ओली और ख़ास प्रोड्यूसेंट जो है ये जो दुनिया भर पर है क्योंकि कोविड कोरोना वायरस के वजह से सभी जो दाम था ये घट गया था नीचे गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये दाम जो है फिर चढ़ रहा है और जो आंदोलन है अपाची का ये 13% से और ऊंचा हुआ है। मैं 13% खस्ते हैं ये सुनने के बाद कि फिर से तेल मिला है बड़े तादाद में। एक्स मिनिस्टर फिनोंसियन का मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर होफद्राज जो है ये सुनने में आया है सुरीनाम से ब्रोनो और गयाना के ब्रोनो हुयाना के ब्रोनो बताते हैं कि एक्स मिनिस्टर होफद्राज इस वक्त हुयाना में है। इनको आखिरी मतवा लोग लियोन्स पेरक पर देखे थे सुरीनाम देश में। कायतुर न्यूज़ जो है गयाना का ये कहते हैं कि इन लोगों को भी जानकारी है कि मुमकिन होफद्राज हुयाना में है, लोग इनको वहाँ पर देखे और पहचाना गया है बर्बीस स्केल्डन में। ये कुछ आदमी लोगों के साथ था, इन लोगों के साथ था जो लोग डच भाषा में बात कर रहे थे, नीदरलैंड्स लोग बात कर रहे थे और एक बार में वहाँ पर गए थे लोग पीने के लिए कुछ ख़रीदने के वास्ते। वैसे होफद्राज के वास्ते एक आउटराइज फरबोत है, या पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि वो सुरीनाम देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये पेही की तरफ से ये आउटराइज फरबोत था, लेकिन तो भी ये सुरीनाम से बाहर गए हैं। इस मामले में एक्स असम्बलेदित रशीद दुखी का नाम लिया गया है कि इनका हाथ है, इन्होंने होफद्राज का मदद किए है गयाना भागने के लिए, गयाना जाने के वास्ते, लेकिन दुखी ये कहते हैं कि बिल्कुल सच बात नहीं है, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। वैसे पंचघर में आपको पता है कि प्रोकुरर जनरल एक बार फिर से गुजारिश किए हैं इनका इंसाफ फॉर बिशोल्डिंग स्टेलिंग के वास्ते और पंचघर में इस बारे में लोग जितना जल्द हो सके फैसला लेना चाहते हैं और इसके बारे में लोग बात कर ये मामला निपटाना चाहते हैं। ये कहा गया है कि अगर होफद्राज खुद नहीं आएगा, व्यक्तिगत पशोलक नहीं आएगा, तो इनको आने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनका बयान एक बार पहले लिया गया था और जो 11 पॉइंट्स है जिस पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया है, 11 चीज़ों के लिए इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस बारे में इन तमाम 11 चीज़ों पर होफद्राज पेशतर जवाब दे चुके हैं। तो अगर ये नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मुकदमा है इन पर चलाया जाएगा, ये जारी होगा होफद्राज के साथ या इनकर बगैर, ये कहा गया है। और पंचघर में जितना जल्द हो सके लोग ये मामला निपटाना चाहते हैं क्योंकि देश में अभी बहुत से ऐसे काम हैं जिस पर लोगों को काम करना है, बहुत से ऐसे चीज़ें जिस पर काम करना है क्योंकि देश को एक क्राइसिस से बाहर निकालना है। वैसे होफद्राज के इंसाफ फॉर बिशोल्डिंग स्टेलिंग के वास्ते 26 वोट ससंतवें तक स्टेमन के ज़रूरी है पंचघर में। एनडीपी का फ्रक्सी लेडर जो है अंद्रे मिसिकाबा ये अपना पार्टी को छोड़ दिए हैं, अपना लेटमार्स खब जो है एनडीपी का ये वापस कर चुके हैं, ये एनडीपी को छोड़ दिए हैं। ये अफवाह है या सच बात है अभी तक नहीं पता है ऑफिशियल बात, ये कहा जाता है कि ये आबोप को ज्वाइन करने वाले हैं, ये आबोप में भर्ती होने वाले हैं। वैसे आबोप का फोर्सिटर इस वक्त का वाइस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रंसवेक ने कहा है कि अगर मिसिकाबा आबोप को ज्वाइन करना
करना चाहते हैं, इसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो ये अपने स्ट्रक्चरन और अपने अख्तरबंद से ये गुजारिश किए हैं इन्हें एक्सेप्ट, इन्हें स्वीकार करने को आप आपके अंदर। नेशनल डेमोक्रेटी से पढ़ते NDP का ये फ्रक्सिला इधर अंदर मिसिकावा को पंचघर छोड़ने, अपना लिटमास खाप वापस देने से अब ताशाना लोशे इनके जगह पर आएगा पंचघर में, ये नया मेंबर बनेगा पंचघर का DNA में NDP के तरफ से। मिसिकावा वैसे आपको पता है आखिरी दिनों में फरकी सिंह से पहले ये मिनिस्टर था सोशल साकन एंड फॉलक्स हाउस फेस्टिंग का, और वैसे ये अंदर फोरसीटर भी था द नेशनल डेमोक्रेटी से पार्टे NDP का। बीफी को वो ऐलान किए हैं कि वो NDP को छोड़ रहे हैं, ये पार्टी को छोड़ रहे हैं। SFF का डायरेक्टर रिक क्रोमोडिहार्जो या रिकी क्रोमोडिहार्जो को नॉन एक्टिव पर रखा गया है, इनको अपनी पदवी से हटाया गया है। ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे गोलमाल हुआ है SFF के पैसा के साथ और इस पर खोजबीन होना चाहिए, ऐसा दुखी ने कहा है, रशीद दुखी जो एक्स पार्लियामेंटारियर NDP का है कहा है। रिक क्रोमोडिहार्जो ये डायरेक्टर है स्टार सिकन फोन्स का, इन्हें अब नॉन एक्टिव पर रखा गया है। और वैसे क्रोमोडिहार्जो जो है ये सितंबर 2015 से ये पदवी पर बैठक लेते थे, इससे पहले ये DNA लेत था लेकिन तब अपने DNA की कुर्सी छोड़कर ये डायरेक्टर बने SFF का। ये मामला में आगे क्या होगा ये खोजबीन जारी हो रहा है, और अगर खबर रहेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।